समस्तंकु मोर नमस्कार मु दीप्ति आपण मानकु स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल टीएस एम्बिशन। आज मु आपण मानक पई एपरि एक टॉपिक नै आसीछि जहा निश्चित हबे प्रत्येक संस्था गोष्ठीर सदस्य माने जानिबा आवश्यक। आशा करुछि आपण माने निश्चित हबे शेष जाय मोर ए वीडियो को देखिबे, आपण मानकर मतामत कमेंट बॉक्स जनाइबे। जदि हम चैनल स नुआ करी जोडी होई छथि तबे सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नै। तो स्वयंसहायक गोष्ठीर सदस्य माने केवल स्वयंसहायक गोष्ठी में सामिल हेले चलिबो नाही, सेमाने निहाती जानिबा आवश्यक स्वयंसहायक गोष्ठी कौन, सेमाने काहेकि के स्वयंसहायक गोष्ठी में सामिल होइछन्ति, स्वयंसहायक गोष्ठीर परिचालना किपरि करिवे, स्वयंसहायक गोष्ठीर नीति नियम कौन रहिबा आवश्यक, कौन कले गोटे स्वयंसहायक गोष्ठी आदर्श स्वयंसहायक गोष्ठी में परिणत हो पारिब, स्वयंसहायक गोष्ठी बाह्य अनुष्ठान आवश्यकता समय ऋण पाइपर, तो से संबंध में जानवाक प्रत्येक स्वयंसहायक गोष्ठी निश्चित भाव तालीम नेबा आवश्यक। तो यह सब कु जानवापी प्रत्येक स्वयंसहायक गोष्ठी आंचलिक मंच मध्यम ग्राम पंचायत स्तर संघ तरफ विभिन्न प्रकार तालीम दि जाए, तो से ही तालीम गुड़ी को साधारणत मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 नाम से परिचित। तो आज वीडियो में आपण मान सहित आलोचना करी, तो साधारणत स्वयंसहायक गोष्ठी सदस्य मानक क्यों मॉड्यूल क्यों विषय वस्तु को तालीम दि जाए, ताहले चलंतु जानिबा मॉड्यूल 1 रो विषय वस्तु गुडी को कौन अटे। मॉड्यूल 1 को कहा जाए स्वयंसहायक गोष्ठी रो गुरुत्व और भूमिका। तो यहाँ प्रथम विषय वस्तु है स्वयंसहायक गोष्ठी रो आवश्यकता, जो थे आलोचना करा जीव दारिद्रतार कारण कौन, दल ही बल, स्वयंसहायक गोष्ठी कौन, गरीब चिन्हटीकरण प्रक्रिया कौन रही था। तो स्वयंसहायक गोष्ठी रो लक्ष्य निरूपण गठन और विशेषतः आलोचना करा जीव लक्ष्य निरूपण आवश्यकता कौन रही, गोटे स्वयंसहायक गोष्ठी लक्ष्य निरूपण और उद्देश्य कौन हो पारे, यह सहित स्वयंसहायक गोष्ठी क्यों कार्य निहाती करिबा आवश्यक, ता सहित स्वयंसहायक गोष्ठी नीति नियम आवश्यकता रही कि स्वयंसहायक गोष्ठी क्यों नीति नियम रहिबा आवश्यक। तो एबे जानिबा मॉड्यूल 2 रो विषय वस्तु गुड़िक कौन रही, मॉड्यूल 2 को स्वयंसहायक गोष्ठी कार्य और तार परिचालना बोली कहा जाए, एथिरे विशेष भाव गोष्ठी सभा प्रणाली आलोचना कर जाए, से स्वयंसहायक गोष्ठी सभार आवश्यकता कौन, सभा किपरि करा जीव ताहाकु पुंखानुपुंख भाव आलोचना करा जाए थाए। एही मॉड्यूल संचय और तार परिचालना किपरि करा जीव ताहा आलोचना करा जाए थाए, संचय कौन, तार गुरुत्व कौन, संचयर प्रकारभेद, गोष्ठीर संचयर परिचालना, गोष्ठीर बैंक रे जमा खाता खोलिबार प्रणाली को पुंखानुपुंख भाव आलोचना करा जाए थाए। एही मॉड्यूल 2 रे मध्य ऋण परिचालना किपरि करा जीव ताहा आलोचना करा जाए थाए, ऋण कौन, यहार आवश्यकता, ऋणर प्रकार, अनुमोदन प्रणाली और परिषद, ऋण खिलापी कौन, खिलापीर कारण कौन, यहार निराकरण कौन, ऋणर सूत्र और बैंक सह संजोगीकरण को आलोचना करा जाए थाए। यहाँ सहित एही मॉड्यूल 2 रे मध्य नेत्री और साधारण सभ्य मानकर गोटे स्वयंसहायक गोष्ठी प्रति दायित्व और भूमिका कौन ताहाकु आलोचना करा जाए थाए। आमे जानिले मॉड्यूल 1 आउ मॉड्यूल 2 रे आमे क्यों विषय तालीम देबा, तो एबे जानिबा मॉड्यूल 3 रे आमे क्यों विषय प्रति विशेष भाव आलोचना करिबा। मॉड्यूल 3 को दलीय कौशल द्वंद समाधान और नेतृत्व कहा जाए। एही मॉड्यूल 3 रे दलीय कौशल रे गोष्ठी सभ्य मानकर व्यवहार, सभ्य मानकर चरित्र उपर आलोचना करा जाए थाए। यहाँ सहित द्वंद्व कौन, द्वंद्व परिचालना और तार समाधान, द्वंद्व समाधान निमते किसी सोपान को आलोचना करा जाए थाए। यहाँ सहित एही मॉड्यूल 3 रे नेत्री रा आवश्यकता कौन, नेत्री रा लक्षण गुण कौन हेबा आवश्यक, नेतृत्व शैली कौन हेबा आवश्यक ताहा आलोचना करा जाए थाए। तो ठीक सहीपरि मॉड्यूल 4 रा विषय वस्तु गुड़िक हला मॉड्यूल 4 को स्वयंसहायक गोष्ठी नथिपत्र लिखन और यार सुपरिचालना बोली कहा जाए। यही मॉड्यूल
नथिपत्र कौन नथिपत्र आवश्यकता कौन यहाँ आलोचना करा जाए था। यहाँ सहित स्वयं सहायक गोष्ठी में क्यों प्रकार नथिपत्र व्यवहार करा जीवो तार आवश्यकता कौन तापे आलोचना करा जाए था। जेपरिक नियमित बैठक बरणी कैशबुक मासिक आर्थिक बरणी व्यक्तिगत पास बहर लिखन प्रणाली को आलोचना करा जाए था। एबे जानिबा मॉड्यूल 5 रे आमे स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य मान को क्यों विषय रे तालीम देवा। मॉड्यूल 5 को आर्थिक साक्षरता बोली कहा जाय थाए। यही आर्थिक साक्षरता रे आर्थिक साक्षरता कौन आर्थिक योजना कौन यार गुरुत्व कौन दीर्घमियादी योजना पारिवारिक योजना और खर्च उपरे आलोचना करा जाय थाए। यहां सहित विभिन्न आर्थिक विकल्प संचय कौन निवेश कौन ऋण निवेश और विनियोग सोपान सब कौन हो पारे जीवन चक्र और ऋण परिचालन किपर होगा दरकार यहाँ उपरे आलोचना करा जाए था। यहाँ सहित यही मॉड्यूल 5 रे मध्य बीमा कौन बीमा और संचय मध्य पार्थक्य कौन यहाँ आलोचना करा जाए था। यहाँ सहित जीवन चक्र कौन आर्थिक योजना कौन आर्थिक योजनार प्रस्तुति प्रणाली कौन हो पारे समस्या और तार समाधान किपर करिबा से विषय मध्य आलोचना करा जाए था। तो मॉड्यूल 6 रे विषय वस्तु गुड़ी कहला। मॉड्यूल 6 को अणु विनियोग योजना बोली कहा जाए। यही मॉड्यूल 6 रे अणु विनियोग योजना कौन यार उद्देश्य कौन यार आवश्यकता कौन यहाँ आलोचना करा जाए था। यहाँ सहित अणु विनियोग योजनार प्रस्तुति प्रणाली परिवार स्तर में किपर विश्लेषण हो सदस्य मानकर किपर बरणी प्रस्तुत करा सहित से ही बरणी को किपर एकत्रीकरण होलोचना करड्यूल 6 रे गोष्ठी विनियोग पांठि कौन यार आवश्यकता कौन यहाँ आलोचना करा जाए था। आंचलिक मंच स्तर में अणु विनियोग योजना प्रस्तुत रे भूमिका कौन यहाँ किपर एकत्रीकरण अग्राधिकार किपर दिजिव यहाँ मूल्यायन किपर कर विस्तृत भाव आलोचना करा जाए था। तो आपण मैंने जानिले प्रत्येक मॉड्यूल आम क्यों विषय प्रति निहाती स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य मान को जनवा आवश्यक अर्थात जदि जड़े सदस्य स्वयं सहायक गोष्ठी में सामिल क्यों विषय निहाती जानी गोटे स्वयं सहायक गोष्ठी को से आदर्श स्वयं सहायक गोष्ठी में परिणत कर। मोर परवर्ती वीडियो रे मु आपण मानक सहित प्रत्येक मॉड्यूल प्रत्येक विषय वस्तु को विस्तृत भाव आलोचना करी आशा करूँ आपण मैंने निश्चित भाव आम चैनल सह जोड़ी हो रे आपण मानक सुचिंतित मतामत कमेंट बॉक्स में जनइबे जदि भिडटी भल लगला तेब लाइक करेंगे शेयर करेंगे समस्त को मो तरफ आम चैनल तरफ बहुत बहुत धन्यवाद।